अंडे का तो रेसिपी आप लोग बहुत तरीके से ट्राई किए होंगे या आप लोग बहुत तरीके से बना के खाए होंगे, लेकिन आज मैं बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से सार अंडे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी है। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल तरीके से रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडा करी बनाने के लिए, अंडा बनाने के लिए एक तवा पे मैंने प्याज, हरी मिर्च, लहसुन लिए हैं। सारे अच्छी तरह से 2-3 मिनट तक भून लेंगे ताकि एक स्मूथ सा पेस्ट मैं बना सकूं। और देखिए कितने सारे अंडे मैंने लिए हैं सिल के, उन्हें निकल के ठंडे पानी से साफ करके धो लिए हैं। और देखिए यहाँ पर प्याज, हरी मिर्च भी मैंने भून लिए है थोड़ी सी। आप लोग कच्चे भी फ्राई, बिना फ्राई के ही आप लोग पेस्ट बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी भुनने के बाद, पेस्ट बनाने के बाद बहुत ही टेस्टी लगती है करी, इसीलिए मैं बना रही हूँ। और इसमें दे देंगे बहुत सारे धनिया, क्योंकि धनिया अंडा करी बना रही हुई है इसीलिए। और एक कढ़ाई में मैंने सरसों का तेल दे दी है, इसमें दे देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और गरम होने के बाद इसमें सारे अंडे दे देंगे एक एक इस तरह से। थोड़ी सी फ्राई कर लेना है, फ्राई करने के बाद बनाऊँगी धनिया अंडा करी। दोनों साइड इस तरह से पलट के फ्राई कर लेना है, इस तरह से उलट पलट के। ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी। देखिए फ्राई कर लिए है, अभी तेल से निकल लेते हैं। और इसी तेल में दे देंगे सरसों का तेल दे दिए है, 5 फोड़न दे दिए है और जीरा दे दिए है। अच्छी तरह से फ्राई होने के बाद इसमें दे देंगे वो जो हरा धनिया का पेस्ट मैंने बना के रखी है वो दे देंगे। बहुत ही सिंपल करके मैं बना रही हूँ, आप लोग पूरा वीडियो देखते रहिए। बहुत ही आसानी से बना रही हूँ, बहुत ही कम मसाला से। और देखिए सारे इसी तरह से मिला लेना है अभी तेल में। और इसमें दे देंगे स्वाद अनुसार नमक, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर सी आप लोगों के हिसाब से दे दीजिएगा। मैंने थोड़ी सी दे दिए है क्योंकि पहले मैंने हरी मिर्च दे दिए है, फिर भी मैंने 2 चम्मच दे दिए है। और इसमें जीरा पाउडर, धनिया और गरम मसाला दे दिए है। और सारे अच्छी तरह से भुनेंगे। फ्लेम मैंने हाई में रखी है। और देखिए प्याज से पानी सोर चुकी है, और टमाटर से देखिए, और मैंने देखिए ढक्कन दे के फ्लेम हाई में पकाया है। और इसमें पानी दे देंगे, पानी दे के इसमें अंडे दे देंगे थोड़ी सी बॉयल आने के बाद। और देखिए कलर तो आप लोग देखकर बोल सकती है कितनी अच्छी आई है। और सारे मसाले के साथ अंडे इस तरह से मिला लेंगे। मिला के ढक्कन दे के फ्लेम हाई में पकाऊंगी 4 से 5 मिनट तक। ये ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि पहले से अंडा बॉईल किया हुआ है, फिर से ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि और पेस्ट भी मैंने पेस्ट करके पकाया है इसीलिए। और देखिए फ्रेंड्स, लगभग अंडा करी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। और देखिए इसमें दे देंगे अभी काली मिर्च का पाउडर, और हाथों से इस तरह से मिला के, चम्मच से मिला के पकाया है। देखिए फ्रेंड्स, 10-15 मिनट में अंडा करी हमारी पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। और देखिए ठंडा करने के बाद आप लोगों को दिखाया है कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर आई है, खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनी थी फ्रेंड्स। सच में आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाए घर पर। देखिए आप लोग इसे रोटी, राइस, पराठा के साथ भी खा सकती है। तो चलिए और एक रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, अंडा बनाने के लिए प्याज, हरी मिर्च, लहसुन और टमाटर भी मैंने तवा में दे दिए हैं। ये प्याज टमाटर भी मैंने थोड़ी सी भून लिए हैं, 4-5 मिनट तक भूनने के बाद आप पेस्ट बना लेंगे। और देखिए अंडा मैंने पहले से बॉईल करके इस तरह से स्लाइस में कट करके मैंने रख दिए हैं देखिए। और एक कढ़ाई सरा देंगे, कढ़ाई में दे देंगे सरसों का तेल। मैं सरसों का तेल से बनाऊंगी, सरसों का तेल से बनाने में स्वादिष्ट बहुत लगती है इसीलिए। और देखिए तेल गर्म होने के बाद इसमें दे देंगे 1/2 चम्मच जीरा, और जो टमाटर का मैंने पेस्ट बना के रखी थी वो पेस्ट दे देंगे।
और अच्छी तरह से तेल में भून लेना है। और इसमें दे देंगे स्वाद अनुसार नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, धनिया, घर पर जो भी मसाला है यही दूंगी, ज़्यादा मसाला नहीं दूंगी क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से और सिंपल तरीके से हेल्दी तरीके से मैं बना रही हूँ। इसीलिए देखिए सारे मसाला मैंने दे दिए हैं। अभी अच्छी तरह से टमाटो के साथ मिक्स कर लेना है, भून लेना है। टमाटो का पेस्ट जो मैंने बनाया है पहले से मैंने बॉईल करके बनाया है, इसीलिए थोड़ी से भुनने के बाद इसमें सारे मसाला दे के अच्छी तरह से मैं भून रही हूँ। और देखिए टमाटो से पानी छोड़ चुकी है इस तरह से, देखिए ढक्कन दे के बॉयल होने तक, बॉयल में मतलब इसमें जब तेल ऊपर आ जाए तब तक के लिए पकाऊंगी। और देखिए फाइनली ग्रेवी हमारी पूरी तरह से हो चुकी है। इसमें भी जो अंडे का स्लाइसेस मैंने रख दिए हैं कट करके वो देंगे। ये अंडे का स्लाइसेस मैंने दे दिए हैं, अभी अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ मिक्स कर लेना है। मुझे तो इस तरह के अंडे बहुत ही पसंद है, बहुत ही टेस्टी लगती है। ग्रेवी के अंदर सारे मसाला अंडे में जाती है इस तरह से कट करने से, और बहुत ही अच्छी दरदरा होती है। मुझे बहुत ही पसंद है अंडे में सबसे ज़्यादा इस तरह की मुझे बहुत ही पसंद है। और देखिए सारे अच्छी तरह से भून लिए हैं, उसके बाद दे देंगे ऊपर से थोड़ी सी हरा धनिया देखिए अच्छी तरह से मिला लेंगे। और ढक्कन देके लो टू मीडियम फ्लेम में रख देंगे क्योंकि बहुत ही कम टाइम में ये अंडे हमारी हो जाती है। देखिए कितनी अच्छी दरदरा हो चुकी है और बहुत ही बढ़िया कलर आई फ्रेंड्स, मैं क्या बताऊँ। और ढक्कन देके देखिए मैंने लो टू मीडियम फ्लेम में पकाया है, बहुत ही अच्छी तरह से खुशबू निकल रही है इसमें से। और देखिए पूरी तरह से हो चुकी है, एक प्लेट में सर्व करके आप लोगों को दिखाती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स आप लोग इसे गर्मा गर्म पराठा या रोटी के साथ खा सकती है, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है ये और सबसे आसान और इजी तरीके से बहुत ही कम टाइम में इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। सिर्फ ग्रेवी में मिक्स करके इस तरह से बनाने लेना है पहले से ही, तो अंडा बॉईल करके आप लोग रखेंगे तो बहुत ही जल्दी जल्दी बना सकती है। आप लोग इस तरह से बना के ज़रूर खाएं। और तो चलिए अभी अंडे का बिरयानी बना के दिखाते हैं जो बहुत ही टेस्टी लगती है। वन पॉट एक बिरयानी बना के दिखाऊंगी बहुत ही सिंपल तरीके से। मुझे उतना तामझाम वाला काम मुझे बहुत पसंद नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही सिंपल तरीके बनाने की कोशिश करती हूँ। और देखिए अंडे मैंने ले लिए हैं बहुत सारे, 8-10 अंडा लिए हैं। अंडा बॉईल करके मैंने सिलके निकाल के रख दिए हैं। और यह ले लिए हैं मैंने बिरयानी का चावल, ठंडे पानी से साफ करके धो लेंगे। और कुकर में मैंने सरसों का तेल दे दिए हैं और गर्म होने के बाद इसमें अंडे दे दिए हैं। थोड़ी सी हल्का फ्राई होने के बाद इसमें तेल में से अंडे निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अंडे हल्का हल्का मैंने फ्राई कर लिए हैं लाल लाल करके थोड़ी सी, और उसी तेल में मैंने दे दिए है दालचीनी, लौंग, इलायची और जीरा दे दिए है, और दे दिए है बहुत सारे प्याज और हरी मिर्च, 2 कप प्याज दे दिए है मैंने और 5 से हरी मिर्च दे दिए हैं। आप लोग पहले से चावल बॉईल करके अंडे में अंडे का बिरयानी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज बहुत ही सिंपल तरीके बना रही हूँ इसीलिए चावल में ही अंडे इस तरह से देकर बिरयानी बनाऊँगी। और देखिए 2-3 मिनट तक भुनने के बाद फ्लेम हाई में रखी है, भुनने के बाद इसमें दे दी है 2 टमाटर जो मैंने पतला पतला करके काट लिए हैं, और इसमें दे दिए हैं नमक ताकि जल्दी से गल जाए। और अच्छी तरह से भूनने के बाद थोड़ी सी जब सॉफ्ट हो जाएंगे इसमें दे देंगे सारे मसाला, जैसे कि मिर्ची पाउडर दे देंगे, ज़ीरा पाउडर, बिरयानी का मसाला दे देंगे 2-3 चम्मच। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, सिर्फ बिरयानी में मसाला में सिर्फ
नमक, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर दे दिए हैं। हल्दी पाउडर नहीं दिए है क्योंकि मैं फूड कलर दे दूँगी, और थोड़ी सी इलायची का पाउडर दे दिए है। इतना ही मसाला दे दिए हैं। और चावल देके अच्छी तरह से प्याज हरी मिर्च टमाटर के साथ भून लेना है। भूनने के बाद देखिए बहुत ही बढ़िया खुशबू निकल रही है इसमें से। अच्छी तरह से इस तरह से भुनना है ताकि मसाला सारे चावल के अंदर जाए। और इसमें अभी दे देंगे पानी। चावल अच्छी तरह से भुनने के बाद पानी दे दिए है देखिए। और इसमें दे देंगे अभी अंडे। इस तरह से एक एक के अंडे दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स अंडा दे दिए है। अभी थोड़ी सी फूड कलर दे देंगे इसमें, रेड कलर में दे दिए हैं। आप लोग और भी आप लोगों का पसंद के कलर भी दे सकती है। और ढक्कन देखिए मैंने पकाया है। देखिए सीटी देने के बाद एक थाली में मैंने सर्व कर लिए है। देखिए फ्रेंड्स कितनी आसानी से और सिंपल तरीके से बहुत ही कम मसाला से एक बिरयानी में बना के आप लोगों को दिखाया है। देखिए कितनी अच्छी लग रही है, कितनी अच्छी कलर रही है, और खिला खिला बन के तैयार हो चुकी है। आप लोग किसी भी वक्त इस तरह से बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी होती है फ्रेंड्स। आप लोग भी इस तरह से ज़रूर बना के खाइए और आप दूसरों को भी खिलाइए। तो चलिए फ्रेंड्स और एक अंडे का रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है, सिर्फ प्याज और टमाटर में इसका टेस्ट होती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अंडे ले लिए हैं 5, बॉईल करके साफ़ करके धो लिए हैं छिलके निकल के। अभी अंडे में बीस में काट लेंगे। इस तरह से काट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अंडे काट के इस तरह से काट लिए हैं बीच में। 5 अंडे का बना रही हूँ आज। देखिए अंडे मैंने सारे काट लिए हैं। तो चलिए अभी ये अंडा बनाते हैं। अंडा बनाने के लिए मैंने तवा चढ़ा दिए है चूल्हे पर, और इसमें दे देंगे घी। एकदम शुद्ध देसी घी मैंने दे दिए हैं। और इसमें अंडे का जो स्लाइस मैंने कट करके रखी है वो दे देंगे। इस तरह से घी में थोड़ी सी हल्का हल्का करके फ्राई करूँगी। घी में फ्राई करने से बहुत ही टेस्टी लगती है और स्मेल भी बहुत ही अच्छी आती है। मुझे पसंद है इसीलिए मैं इस तरह से दे रही हूँ। अगर आप लोगों को पसंद नहीं तो आप लोग ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं। और देखिए इस तरह से मैंने दे दिए है, और दोनों साइड थोड़ी सी हल्का हल्का करके फ्राई करूँगी। ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, नहीं तो ये टाइट हो जाएंगे, अच्छी नहीं लगेगी। ये देखिए फ्रेंड्स मैंने सारे फ्राई कर लिए हैं। इसी पैन में दे देंगे थोड़ी सी जीरा और बहुत सारे प्याज और हरी मिर्च दे देंगे, क्योंकि इसे ग्रेवी नहीं बनाऊँगी, ड्राई करके बनाऊँगी। जो इसमें सिर्फ प्याज ज़्यादा लगती है इसीलिए। ये प्याज हरी मिर्च दे दिए है, इसी तरह से भून लेना है जब तक कलर थोड़ी सी चेंज ना हो जाए। ये देखिए थोड़ी सी मैंने गोल्डन ब्राउन कर लिए हैं प्याज हरी मिर्च। इसमें अभी दे देंगे टमाटर, जो मैंने 2 साफ करके धो के मैंने पतला पतला करके काट लिए हैं। इसमें दे देंगे, और थोड़ी सी नमक दे देंगे, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर मतलब 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर। बस इतना ही मसाला दे दिए हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ और बहुत ही टेस्टी होती है। और सारे मिला के मैंने ढक के 4-5 मिनट तक पकाया है। देखिए प्याज और टमाटर से पानी सोख चुकी है।
इस तरह से मिला के थोड़ी सी सॉफ्ट होने के बाद इसमें सारे अंडे दे देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉफ्ट हो चुकी है और देखिए अंडे का स्लाइसेस मैं इस तरह से मैंने दे रही हूँ और सारे इसी तरह से मिला लेंगे टमाटर प्याज के साथ, मसाले के साथ अंडे इस तरह से मिला लेंगे। आप लोग दाल राइस के साथ इस अंडे का रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही अच्छी लगती है दाल राइस के साथ। और देखिए इस तरह से मैंने सारे मिक्स कर लिए, मिला ली है इस अंडे में सिर्फ टमाटर और प्याज से, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, आज की अंडे के चार रेसिपी आप लोगों में शेयर की है, कैसी लगी आप लोगों को। और देखिए फाइनली ये अंडे हमारी पूरी तरह से हो चुकी है, आप लोग भी इस तरह से बना के ज़रूर खाएं और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना आज की चार अंडे रेसिपीज आप लोगों को कैसी लगी। अगर आज की रेसिपीज आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरा पूरा वीडियो देखने के लिए, थैंक यू।